नमस्कार। समय के साथ साथ हमारी बहुत सी आदतों में भी बदलाव आ गया है। कुछ साल पहले जब ट्रेन बस में सफर किया करते थे तो गाड़ी के चलते ही यात्री लोग अखबार खोज लेते थे या फिर मैगजीन्स के पन्ने उलटने लगते थे। कोई कोई किताब भी लेकर बैठ जाता था। इतना ही नहीं बल्कि बच्चों के हाथ में भी कॉमिक्स दिखने लगती थी। लेकिन सोशल मीडिया का दौर शुरू होने के बाद ये सीन पूरी तरह से बदल गया। अब हाथों में बस एक ही चीज नजर आती है और वो है मोबाइल। सिर स्क्रीन पर झुका रहता है और उंगलियां चलती रहती हैं। जी हाँ, जमाना वीडियोस का है और उसमें भी बहुत स्पेसिफिक जाऊं तो जमाना रील्स का है। रील्स मतलब 30-45 सेकंड्स की वीडियोस। इसमें म्यूजिक, डायलॉग्स, पिक्चर्स सभी की गुंजाइश है। रील्स की सबसे बड़ी खासियत है उसकी स्पीड। कई बार फोटोज में भी स्पीड लाकर रील्स बना दी जाती है। विजुअल मीडिया होने की वजह से रील्स की पहुंच और ताकत शब्दों की तुलना में कई ज्यादा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंस्टाग्राम पर दूसरे वीडियोस की तुलना में रील्स की पहुंच दुगनी से भी ज्यादा है। रील्स की एवरेज रीच रेट 30% है, जबकि एक से ज्यादा फोटोज या वीडियोस वाली सोशल मीडिया पोस्ट की एवरेज रीच रेट 14-15% है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपना जो एल्गोरिथम बनाया है उसमें नॉर्मल फोटोज या राइटिंग की रीच लगातार कम होती जा रही है, जबकि रील्स की जो रीच है वो बढ़ रही है। इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं, इसलिए तमाम लोग रील्स बनाने में अपने सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं। रील्स की एक और खासियत है, शायद जिसे आपने भी नोटिस किया हो, और वो है कि एक पल में देखने वाले को वो मोहित कर देती है और धीरे धीरे इसका असर उन पर हावी होने लगता है। इसी वजह से अब तो पॉलिटिकल पार्टीज भी इसका सहारा लेने लगी है। हालांकि इसमें चैलेंजेस भी हैं और इसके लिए खुद मध्य प्रदेश पुलिस के डायरेक्टर जनरल रहे ऋषि मिश्र ने कुछ साल पहले कहा था कि पुलिस के लिए ऐसी सिचुएशन के जो दुष्प्रभाव होते हैं उनको रोक पाना बहुत बड़ी चुनौती साबित होगी। स्टैटिका की रिपोर्ट के मुताबिक रील्स रीच उन अकाउंट्स के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा है जिनके फॉलोअर्स कम हैं। फिर जब इसके साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से होने वाली कमाई जुड़ जाती है तो रील्स का असर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वैसे भी इंटेलेक्चुअल लेवल जहां कम होता है वहां रील्स की पहुंच और प्रभाव उससे कहीं ज्यादा होता है। भारत में यंग लोगों की संख्या भी रील्स की बढ़ती लोकप्रियता के लिए जिम्मेदार मानी जा रही है। डिमांड इज नाम की जो वेबसाइट है उसका डेटा बताता है कि इंस्टाग्राम यूजर्स के लिहाज से भारत 23 करोड़ के आंकड़ों के साथ दुनिया का पहले नंबर का बाजार है। अब जहां इतना बड़ा बाजार हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एल्गोरिथम हो, दौर में पैसे बनाने का जुनून हो, तो लोग रील्स क्यों ना बनाएं और क्यों ना देखें। लेकिन इसकी वजह से सोशल लेवल पर मोरल वैल्यूज का जो पतन हो रहा है उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। इसलिए हमें और हमारे समाज को इस बारे में सोचना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।